ए मौत भूख का एक पिता है, फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं। अधर्म करके जीना चाहता राज धर्म का ज्ञान नहीं। मौत भूख का एक पिता है, तुझे कैसे ज्ञान नहीं। अधर्म करके जीना चाहता राज धर्म का ज्ञान नहीं। मौत भूख का एक पिता है, तुझे कैसे मालिक के घर पर एक गऊ अपाहिज हो जाती है, लंगड़ी हो जाती है। उस मालिक ने उस गऊ को अपने घर से बाहर निकाल दिया, बात दूर जंगल में जाकर अपना पेट गुजारा चलाती है। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, वहां एक सांड से मिलन हो जाता है। सांड के मिलने से उस लंगड़ी गऊ का काफी परिवार हुआ। दिन बीतते चले जाते हैं। एक बार सभी परिवार की सदस्य सभी गौवे मिलके कहती कि माँ, इस हद से पार, इस खाई से परली तरफ बहुत लंबी लंबी घास उगी है, सभी पेट भर जाता है, क्यों नहीं आज हमारे साथ चलो। उस परिवार के कहने से वालंगड़ी गौ उनके साथ चली जाती है। भगवान की ऐसी निगाह फिरी, एक शेर काना हो जाता है। शेर की दहाड़ने से तमाम गौएं वहां से भाग जाती हैं। उसमें रहे वह लंगड़ी गऊ अकेली रह जाती है। उस शेर ने उसको दबोच लिया, वह दुआएं करती है। अरे भाई, मेरे एक छोटा बच्चा है, मैं उसको दूध पिलाकर फिर तेरी समक्ष हो जाऊंगी, तेरे सामने आ जाऊंगी, फिर कुछ भी कर लेना। उस शेर ने उसको छोड़ दिया, अपने बच्चों को दूध पिलाया, मन को संतोष मिला, शांति मिली, और फिर अपना वचन पूरा करती हुई वह लंगड़ी गऊ उस शेर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब वो मारने के लिए झपटा, वह कहती है, अरे पापी, ये बता मुझे क्यों खाना चाहता है, कि मुझे भूख लगी है, यदि भूख को ना मिटा जाए तो आत्मा पर ठेस लगती है और आत्मा मुसने से फिर कुछ नहीं रहता। अरे पापी, मुझे मेरी मौत दिखाई देती है, क्या मेरी आत्मा नहीं मुसती, कि तेरी भी आत्मा मुसती है, भूख लगने से भी आत्मा मुसती है, मौत दिखने से भी आत्मा मुसती है, दोनों का एक जगह से जन्म हुआ, कुछ ज्ञान कर, ज्ञान के बगैर तू अधूरा है, ज्ञान के बगैर तुझे मोक्ष नहीं मिलता, सुख नहीं मिल सकता। वह लंगड़ी गऊ उस शेर को ज्ञान देती है, क्या भला। अरे ज्ञान बिना संसार दुखी, ज्ञान बिना दुख छेना, ज्ञान से ऋषि तपस्या करते तो तुझको बड़ा पड़ा सहना, ज्ञान से प्यार व्यवहार जानते साहूकार से ऋण लेना, ज्ञान से प्रजा का पालन करके ब्याज मूल सब दे देना, ज्ञान से प्रजा का पालन करके ब्याज मूल सब दे देना। ए प्रजा, ए मां की सेवा, ए प्रजा, ए मां की सेवा, तोरे क्या सती अधर्म करके।
थी वो साथ गया, उन्हें प्रेम से उतार भरा दिया। सत्य का मन है गुरु के वचन परम नाम में गिरा दिया। फिर से पानी सुनी शान की दम का दर्शन करा दिया। फिर से पानी सुनी शान की दम का दर्शन करा दिया। जानी खुशी कौन कहे, जानी खुशी कौन कहे, पशुओं में जीव दुआ टूटा जाता और विचलित हो जाते हैं, लेकिन सुदामा भजन में लौलीन उसकी पत्नी कहती है, महाराज तुन्यू का आदर था, मेरा मित्र है कृष्ण, तू जाने उदुरे कुछ तो मांग लिया, तेरा बालकपन का यार कृष्ण मुरार जा बरतार द्वारका आले के कुछ ल्याऊ रहते के तू दे बाउली न्यू मिल जाए अगर धन न्यू तो सारे जाकर कृष्णा का हाथ जोड़ ले, धन चाहिए किस किसने देगा। महाराज आप तो कहा करते कि मेरा धब्बी है, मेरा मित्र है, मेरा सहपाठी है, कि फिर सहत है कुसा ना ट्रे हूं फिर धन न्यू नहीं मिल जाता। यारी के घर दूर तने के जान जमाने की बखत पे आंख सुरा जाए न्यू धन नहीं मिले। इतने में उस रामे के चारों बच्चे आ जाते और वे कहते कि माँ रोटी, कि बेटा रोटी तो कोई ना, फिर तू माँ किस बात की है,
तेरे चारों बेटे भूखे तड़प में। मैं किस बात के पिता और पुत्र का तो ये संबंध होता है? कौन सा बताया? सतीश कुमार डागर साहब 50 रुपए देते हैं भाई साहब को, बार बार धन्यवाद। सुरेंद्र टोक तेरी गरम में कोन्या तू कलागरी भूख कालदा खासे रे बेटे रोवे विचार करिए की को से
जग में एकता और एक ओए कुछ ही दिन के बाद भाई राजी का सवाल होया माता जी की पिता जी कंगाल होया चारों बेटे रोवन लगे दुखा का दे हाल चारों बेटे रोवन लगे दुखा का दे हाल होया रोए ता कंगाल जगन्ना गात जगर में भासे कर्म करने से शुभ या शुभ कर्म करने
शास्त्रों ने, हमारे विद्वानों ने चार किस्म की सृष्टि बताई, चेरज अंडर स्वेधल उत्पल, उनका उल्लेख किया पंडितों ने कली में कि कभी हम कहां से पैदा होते हैं, कभी कहां चले जाते हैं, कभी कहां से पैदा होते हैं और कहां पहुंच जाते हैं। क्या बता कभी अंडे से पैदा हुए, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल में हम डूब मरे, कभी उम्र कटी जल पीने से, कभी जेर में लिपट मरे हम अपना कर्म करीने से, फिर भी मुक्ति हाथ न आई मौत बली इस जीने से, कभी पार हुए कभी आर हुए, कभी पार हुए कभी डूब दी चमत्कार, नाथ मतम आजिया करे क्या मरते मरते हार गए, कभी नीर गले कभी चले यगन में, कभी जोगी बन के जोग लिया हम आए थे, भोग भोगने भोगों ने हमको भोग लिया, कभी खाट में पड़े सड़े कभी रोगी बन के रोग लिया, कभी खुशी में मगन हुए कभी सोगी बन के सोग लिया, कभी खुशी में मगन हुए कभी सोगी बन के सोग लिया, माया के चक्कर माया पे माया के चक्कर माया पे जैसी अपना जन्म में क्या रखे मोहने करना चाहूं था बस में, वे थे बस में हुए नहीं पर हम फंस गए उनके रस में, आतस कामो ममता ने मार गया हूं गिरदस में, वे गिरदस में मरे नहीं पर हम फंस गए थे अब दस में, वे गिरदस में मरे नहीं पर हम फंस गए थे, इतनी कह के वो लक्ष्मी चल भी, इतनी कह के लक्ष्मी चल भी, लंबे पैर पसार गए के साथ, खुशी के साथ गिरजा नाम रख देते हैं, वह गिरजा शानी हो जाती है। राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाया और पूछा कि ये देखियो कि मेरी बेटी की रेख कैसी है, कैसा वर चाहिए मेरी बेटी के लिए। तो ब्राह्मण ये सुनकर और वर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, कहीं पर गिरजा का वर नहीं मिला। आकर रिपोर्ट दे देते हैं, हे महाराज हमने लड़की के जो कोई वर नहीं मिला। वहां पर उस गिरजा की सखी बिजिया नाम था वह बैठी हुई थी, उसने ये बात सुनी और जाकर गिरजा को बता दी कि बे ये जो जा रहा था तेरा पति तो उन्हें उदोलटा लिया,
के बात के खाली हाथा है, कुछ भी ना कोरा कागज के। ये कहो कि उस ब्राह्मण को मेरे पास बुला लाओ। उस ब्राह्मण को बुलवाया, पूछते कि हे विपर क्या बात हुई कि बेटी मुझे कोई तेरा वर नजर आया नहीं। के मैं बताती हूं, हे महाराज, हे ब्राह्मण, वहां जाओ जो मैं बताऊं। के बताओ तो चिट्ठी लगती है और उस ब्राह्मण को बताती भी है, जवानी भी बताती और चिट्ठी लगती है। कैसे? ओ भंजन श्री अलख निरंजन खटका उस अविनाशी का पैर पकड़ के बैठ गई। तुम क्या करो मुझे दासी का सभी देवता पास करें। कनकर मंडल में गंगा डटी, कर मंडल में गंगा डटी, भेद बताऊं गावेगा। वेद विधि प्यादी कहू परी
पार बचन गज पावेगा तेरे मन की। ओए तेरे बिना मैं चुप कर देखूं फिर नजारा काशी का। ओए बंधन तेरे अलख नरंदन खटका उसे बिना जीता पैर पकड़ के बैठ गई चार करो करके चले आयो मैं जानू के वो जाने गुरु लक्ष्मी चंद जमाना छड़का इतनी नन्ही मत थाने। मांगेराम ने भेद बता दिया मांगेराम ने भेद बता दिया शिव शंकर के लाची पास पहुंच जाता है। जा कहना करता है कि भाई हिमाचल के एक लड़की जन्मी है, हिमाचल के एक लड़की जन्मी जो दुनिया ते न्यारी से तेरी के न्या ब्याह करवाओ, उसकी शादी की तैयारी है, तेरे साथ विवाह करना चाहती है। और ऐसी बात नहीं, मैं बहुत जगह गया हूं, पहले गया मैं इंद्र धोरे करके जग माता नाच गया, फिर मैं पहुंचा अग्नि धोरे लेन से नाता नाच गया, फिर मैं गया विष्णु धोरे करवे धाता नाच गया, फिर उल्टा करना चलेगा वरना पाता नाच गया। ये बेजा तू खुद गिर जाने, आपके मर्जी थारी से तेरी गेल ब्याह करवाओ, उसकी शादी की तैयारी। राजा की लड़की है नुमजार बावड़े, वह राजा की लड़की, और देखी यार भेस और डालगा मेरी गेल उसका के ब्यो देखा, वह बेन के मांगेगी मैं के ला ला दूंगा यार, मेरे बस की बात नहीं। वो शिवजी महाराज उस ब्राह्मण को समझाता है मैं क्या हूं और वह क्या है। मेरे राजा की राजकुमारी मैं शरफ लंगोटे आलासू भांग रगड़ के पिया करूं सो कुंडी सोचे आना सू बाला जागी राज कुमारी सरफ लंबोए आना सू भांग रगड़ के पिया करूं कुंडी सोचे दासी पहले परे मेरे एक भी दासी दास नहीं वह साल दो साले ओ धनियारी मेरा कंबल तक भी पास नहीं क्या कई ऊपर जी ला लेगी चौपर शतरंज दास नहीं वह बगा की कोयल कारी पुरप पड़े हर दास नहीं Oh, my God.
पालकिया में चलने आली में बिना सवारी रहा करूं, चाहे की भी नहीं जरूरती लहर लहारी रहा करूं। तुरिया पत्ती लगा समाधि अटले तारी रहा करूं, घर परिवारी धन चाहिए घर सदा फरारी रहा करूं। राग देख के डरी जागी, पच दुनिया के बीच तपूं मेरी आग देख के डरी जागी, राख गोल के पिया करूं मेरा भाग देख के डर जागी। सौ सौ सांप पड़े रह कर मैं नाग देख के डरी जागी, सौ सौ सांप पड़े रह कर मैं नाग देख के मिलाना ठीक नहीं, दोनों धारे पहनी हूं इसा सेल चलाना ठीक नहीं। जिससे खेल तुरंत बिगड़ जा, खेल खिलाना ठीक नहीं। मैं पांग जटूरा पिया करूं और तेल मिलाना ठीक नहीं, पांग जटूरा पिया करूं तेल मिलाना ठीक नहीं। बहुत मर जागी मैं क्या, बहुत मर जागी मैं सब बहुत दमयंती को कह के स्नान के लिए चले जाते हैं। स्नान किया, ईश्वर का भजन किया, फिर वापिस हो लेते हैं। रास्ते में दो काले तीतर दिखाई दिए जो राजा नल के आगे के घूमते। मन में भाव आया, विचार आया कि क्यों नहीं तू इन्हें पकड़ ले, एक रानी खा लेगी एक तू खा लेगा, चार दिन फिर काट देंगे।
ये मन में विचार करके जो शरीर के वस्त्र बंधा हुआ था वो शरीर से खोल के और तीतरा के ऊपर फेंक दिया। वो तो माया रूपी तीतर थे। राजा नल के वस्त्र को देख के वे तीतर उड़ जाते हैं, बहुत दूर तक उनके पीछे लग गया लेकिन वस्त्र हाथ नहीं आया। उस बियाबान में राजा नल नंगा हो जाता है, एक बड़े के पास बैठ जाता है, अपने पति की बात देख के वह दमयंती, पति जी कहां हो आप, ये करती हुई और उसी रास्ते से हो लेती है। जब वहां के गुजरी दमयंती तो राजा नल ने आवाज दी के दमयंती मैं तो यहां बैठा हूं, हे महाराज यहां क्यों बैठे हो, के मैं तेरे पास आने के लायक नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे शरीर के ऊपर वस्त्र भी नहीं है। ऐसी क्या बात हुई कि क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकता महाराज, या तो बात बतानी पड़ेगी और आप मेरे पास आओ, आप मुझे जानते हो मैं आपको जानती हूं, मेरे आपके बीच मत को छितर रह नहीं रहा। दमयंती राजा नल के पास पहुंच जाती है कि आप बताइए, राज तक खोया था पुण्योयु वस्त्र भी कित खो दिया, के क्या बताऊं कहां गया, कहां गया। बोला रे मेरे वस्त्र में तीतर दे उड़ गए, तंग हो गया आंख नीचे दे रे दमयंती खड़ा यो खड़ा सबके बोल रहा है।
के ऊपर धरा दमयंती पाप भरोटा कथा से अनजाना ने के बेरा पर समझनिया ने पता से तने पढ़ के ईब दिखा दू मेरी काया में खाता से और रख देखे पूरे समझनिया ने पता से मुश्किल होगा भरना रानी मुश्किल होगा भरना रानी यू हरा जख्म का तने कोई हरकत करी होगी के नहीं मेरे मन में भाव था के जानू इन तीतरा ने पकड़ लू दोनों ने भून लेंगे एक दमयंती खा लेगी एक तू खा लिए फिर आकर देखी जागी क्या किया आपने ऐसा के सुन मैंने क्या किया बार बार धन्यवाद दिया जाता है जिन प्रेमियों ने नाम दिया उनको बार बार धन्यवाद दमयंती उसका उसी कुटिया में ले जाती है रात फिर आई एक तरफ राजा नल लेट जाते हैं एक तरफ दमयंती लेट जाती है नल सो वह जानु शेर पड़ा रहे कुटिया में अंधेर पड़ा रहे फूलना केसा ढेर पड़ा रहे वह दमयंती रानी रात ऊपर चढ़ जाती है दमयंती थकी हुई थी आंख लग जाती है राजा नल विचार करता है कि भाई तू इसने छोड़ दे क्या करेगी या तड़के उठकर अपने घर चली जाएगी कभी परमात्मा समय देगा फिर ले आइए ये मन में विचार करता है कि भाई छोड़ दूं ना छोड़ दूं क्या करेंगे
सारी एक सारी रहे बात हमारे इनके शरण भाड़ा कंगले पन में इब कित जाया नग्न शरीर मुनस की शानी नहीं लखाया जाता वह महिला के रहने आली ना कष्ट उठाया जागा दाड़ी के रहते सहते न खाया कमाया जागा राज किता होगा ये अपने मन में बार बार विचार करता है। कलयुग ने क्या सोची रे बनागा काम पे खुद तेगा बनके और कुटी में खड़ा हो जाता है। ओए एक मन के एक मन के ले चाल बहू ने एक था नटन एक नशा राज भी चाहिए साड़ी कटन खातरी कलयुग पीछे लाग
लिया मारे नारे पटन पति भरता संग चली पति के दुख सुख बटन इतना है मैं अकेले मैं।
कदरी कच्ची कली कतराई दी कच्ची कली नौरतन लड़की नौरतन को जहाज में बैठा कर उछल पड़ता है। रास्ते में वो मणिलाल सेठ के बेईमान आ जाता है और उस मणिलाल सेठ ने उस लड़के नौरतन को दरिया में धका दिया। कामदेव की बस में होकर क्या लड़की नौरतन तेरे रह जाएगी। तो जब लड़का जहाज से दरिया में डाल दिया तो अकेली बार लड़की नौरतन रह जाती है। तो अपनी पति के वियोग से विलाप करती है, अपनी यानी कि अपने पति को याद करती है और क्या कहती है। जिगरी क्या कांगने आले सोड़ जिगरी क्या कांगने आले ते क्या आँख न चाहिए साधने रोक क्या चाहे तेरे कारण
ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਲਾਈ ਮਾਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸਕਾ ਖੋਲੂ ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਸਕਾ ਖੋਲੂ ਬਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇ ਗੁੰਦੀ ਕੇ ਨਾਰੇ ਫੂਟੀ ਗਥਾਰੇ ਫੂਟੀ
Yeah,
लखनी चंद कह कदे रखी ना पन मेसर की माला शेरी लखनी चंद कदे रखी ना पन मेसर अपनी अखा हमने देखा होता मोटा सारा उसी कतार में